जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसी निकली है बेसिल से, यानी ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के बात करेंगे। इसमें आपकी जो वैकेंसी है उसके बारे में बात करेंगे, किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो उसके बारे में कम्प्लीट जानकारी, और आपको ऑनलाइन फॉर्म की फिलअप की कम्प्लीट प्रोसेस इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी और अपडेट चाहिए, प्लीज गाइस आप हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं लर्निंग टाइम को ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब कैरियर रिलेटेड डेली जानकारी के लिए। सबसे पहले चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ, जहां पर ये आपको जानकारी और अपडेट दे सकूं। आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर देखते हैं 158 है। एप्लीकेशन आर इनवाइट रिक्रूटमेंट मेन पावर प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, जो पीरियड ऑफ 6 मंथ डिप्लॉयमेंट इन द ऑफिस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट आयुर्वेदा दिल्ली। ठीक है, यहाँ पे हम देखिए नोटिफिकेशन की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन आर इनवाइट, ठीक है, जो कि मैं बता ही चुका हूँ 6 मंथ के लिए है। टेक्निकल ऑफिसर 1 वैकेंसी है, 35 आपकी आयु दे रखी है, 50,000 रुपये पर मंथ सैलरी। आपके MD फ्रॉम रिकनाइज यूनिवर्सिटी, वर्किंग नॉलेज आपको MS ऑफिस की, स्टाफ नर्स की 20, BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकनाइज यूनिवर्सिटी, 2 साल का एक्सपीरियंस रेपिटेटिव हॉस्पिटल नर्सिंग होम में, MSc यहाँ पे आपका नर्सिंग फ्रॉम रिकनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, 1 ईयर एक्सपीरियंस रेपिटेटिव हॉस्पिटल में, या डिप्लोमा आपका नर्सिंग में फ्रॉम रिकनाइज यूनिवर्सिटी से, 4 साल का एक्सपीरियंस और रेपिटेटिव हॉस्पिटल नर्सिंग होम में, 45 आपकी आयु दे रखी है, 37,500 मिडवाइफ, BSc फ्रॉम आपका रिकनाइज यूनिवर्सिटी से, 2 साल का एक्सपीरियंस रेपिटेटिव हॉस्पिटल नर्सिंग में, 45 आयु दे रखी है, 37 सैलरी है। MSc आपका फ्रॉम रिकनाइज यूनिवर्सिटी से, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या डिप्लोमा हो जिसमें आपका GNM से, और 4 साल का एक्सपीरियंस हो, ठीक है, 45,000 और 37 आपकी सैलरी रहेगी। ओपन ऑपरेशन थिएटर नर्स की BSc फ्रॉम लखनऊ यूनिवर्सिटी से, 2 साल का एक्सपीरियंस हो। MSc क्या होता है, 1 साल का आपका हो, डिप्लोमा GNM से क्या, 4 साल का एक्सपीरियंस हो, 45 आई तो 37 यहाँ पर। डेंटल हाइजीनिस्ट की 10+2 इंटरमीडिएट विथ बायोलॉजी फ्रॉम सब्जेक्ट रिकनाइज बोर्ड से, या और साथ में आपका आपका डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन फ्रॉम रिकनाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से, 3 साल का। रजिस्टर्ड स्टेट या काउंसलिंग या डेंटल काउंसलिंग ऑफ इंडिया 45-30,000 सैलरी। आपका ऑडियोविजुअल ग्राफी 10+2 और 2 साल का ITI डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल फ्रॉम आपका टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम मेंटेनेंस इंस्ट्रूमेंट और 2 साल का एक्सपीरियंस एस ऑडियो वीडियो टेक्नीशियन 35,020। वार्ड अटेंडेंट RTO पास 1 साल का एक्सपीरियंस इन ए रेपिटेड 45,000 एज पर द इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिलेक्शन विल बी मेड प्रिस्क्राइब नॉर्म्स रिक्वेस्टेड ऑफ द जॉब प्रेफरेंस विल बी गिवन दोज कैंडिडेट हु आर ऑलरेडी वर्किंग द सेम आपका सिमिलर डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं आपका नो TADA फॉर आपका अटेंडिंग आपका टेस्ट रिटन एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द जॉब सिलेक्शन, ठीक है। यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पे आपको देखिए इसकी जानकारी जो होगी इन्फॉर्म किया जाएगा SMS और ईमेल के माध्यम से किया जाएगा। यहाँ पर जो है आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, प्लीज टेक प्रिंट आउट अटैच ऑल रिक्वेस्टेड सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, सिंगल PDF में फाइल सेंड टू आप दे सकते हैं इस दिए गए ईमेल ID में। फाइल नेम शुड बी एप्लीकेशन ID प्लस योर नेम, और यहाँ पे आपका सब्जेक्ट मेल एडवर्टाइजमेंट नंबर पोस्ट जिसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इस दिए गए आप ईमेल ID पे भेज देंगे। 10/7/2022 लास्ट डेट है संडे तक, ठीक है। यहाँ पे आप हाउ टू अप्लाई के बारे में देख सकते हैं, मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरीके से अप्लाई करना है, यहाँ पे हम इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। हम उसके देखिए ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, यहाँ पे देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन पे, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको देखिए आपका पता होना चाहिए एडवर्टाइज नंबर, तो मुझे पता है 158 है, तो यहाँ पे मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया। हाउ कितनी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, देखिए मैं 1 या 2 पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नेम और पोस्ट देखने को मिल जाए जो पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ठीक, तो उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और ठीक है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए स्टाफ नर्स, तो आप जो भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको देखिए एडवर्टाइजमेंट पाई आपको आ जाएगा, फुल नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मंथ, ईयर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस नंबर है, ठीक है, पैन नंबर, कैटेगरी यहाँ पे आप किस कैटेगरी से है, ठीक है, नेशनलिटी आ जाएगी, ठीक, इस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी।
टाइम आउट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाए कैटेगरी के अनुसार, रिलीजन क्या है, जेंडर आपका मेल फीमेल है यहाँ पे आप देखते हैं, शादीशुदा है अनमेरिड है इसकी जानकारी यहाँ पे आप देखते हैं, ठीक। यहाँ पे एड्रेस है पूरा, आपको यहाँ पे जानकारी देनी है, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो उस तरीके से यहाँ पे आपका पहला स्टेप रहेगा फ्रेंड, जो कि आपको फिल करना होगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखते हैं मैंने अपनी डिटेल को फिल किया है, ठीक है। अब नीचे जाएंगे हम और यहाँ पे इस पे तरीके से यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक। तो सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे आपको लॉग इन आई डी और पासवर्ड मिल जाएगा। आप इसको यहाँ पे कॉपी कर लें, जैसे कि मैंने कहाँ पे कॉपी कर लिया है, और ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक। आपको SMS के माध्यम से भी जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपने हाई स्कूल का, आपने जो है कोर्स का नाम, बोर्ड और साथ में बोर्ड का यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है, ईयर यहाँ पे बताएंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, परसेंटेज थे, CGPA तो जानकारी यहाँ पे देंगे, ठीक। यहाँ पे आपका ऑप्टेन CGPA है तो वो यहाँ पे दे देंगे, परसेंटेज है तो यहाँ पे आपको सिंपली टोटल मार्क, ऑप्टेन मार्क, परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह 12th का कोर्स का नाम और बोर्ड यूनिवर्सिटी का नाम, इसी तरीके से यहाँ पे ईयर आपको सेलेक्ट करना है, परसेंटेज CGPA और यहाँ पे बाकी अन्य डिटेल, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पे डिटेल देंगे। वर्क एक्सपीरियंस यदि है तो यहाँ पे देखिए नेम ऑर्गेनाइजेशन का नाम, डेजिग्नेशन का नाम, पीरियड आपका सर्च आपको सर्विस फ्रॉम, पीरियड आपका कब से कब तक रही थी, ठीक है, और स्टिल वर्किंग है तो यहाँ पे क्लिक कर दें। एड न्यू रो है, एक से अधिक जगह काम किया तो उधर, यहाँ पे आप देखिए रेफरेंस में आपका रिलेटिव और फ्रेंड आदि के यहाँ पे नाम दे सकते हैं, कोई भी आपका फ्रेंड हो या वर्किंग कलीग हो वो भी फ्रेंड आप यहाँ पे दे सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर, जो भाषा आप जानते हैं उसको यहाँ पे टिक करेंगे इस तरीके से, ठीक है, और सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक। और किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, निश्चित रूप से मैं आप लोगों को आंसर दूंगा। तो सैंपल के रूप में यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से लिखा है यहाँ पर, ठीक है, अपने मैंने हाई स्कूल का नाम, बोर्ड का नाम, इसी तरह 12th CBSE और यहाँ पे ईयर सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए मैंने मार्क तो दिया है और यहाँ पे देखिए ग्रेड को ऑप्टेन CGPA वो यहाँ पे दिया है। इसी तरह ड्यूरेशन, यहाँ पे आपका ग्रेजुएशन है वो यहाँ पे आप उसकी ड्यूरेशन है यहाँ पे आपको तरीके को सेलेक्ट करके बता देंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन की डिटेल दे दी है। वर्क एक्सपीरियंस यहाँ पे अगर आपके पास है तो बता सकते हैं, ठीक है, और आपकी वैकेंसी के अनुसार यहाँ पे आपको चुनना है, अगर नहीं है आपकी वैकेंसी में अगर अपने, ठीक है, तो उसके अनुसार यहाँ पे आप छोड़ भी सकते हैं। नेम एड्रेस यहाँ पे डिटेल देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर अपने फ्रेंड का, रिलेटिव का, और जो मैं भाषा जानता हूँ यहाँ पे उस पर टिक कर दूंगा, जैसे कि इस पर तीनों पे कर देता हूँ और एक इंग्लिश पे यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इस पर टिक कर दिया, ठीक है। तो आपको अपनी भाषा चुन सकते हैं और जितनी भाषा आप जानते हैं उसके बारे में अनुसार यहाँ पे टिक और कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरीके से डिटेल को फिल किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ग्रेजुएशन है, बाकी अन्य डिटेल है यहाँ पे आपको देखिए कंप्लीट डिटेल है, सैंपल के रूप में मैंने सिर्फ भरा है यहाँ पे सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। तो सेव एंड नेक्स्ट पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब हम देखिए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो है और कैंडिडेट के सिग्नेचर है और उनके हाई स्कूल की मार्कशीट है वो यहाँ पे अपलोड करेंगे, साइज यहाँ पे दे रखा है उसी के अनुसार यहाँ पे अपलोड करेंगे, आधार आपका डॉक्यूमेंट है, ठीक है, यहाँ पे आप देखिए JPG में पैन कार्ड है यहाँ पे 200 KB में और हाई स्कूल की देखिए डॉक्यूमेंट है, 12th की यहाँ पे डॉक्यूमेंट है 200 KB, ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे आपको अपलोड करना है JPG में और यहाँ पे आप देखते हैं या PNG में, ठीक है, 200 KB का साइज दे रहे हैं, सेव एंड नेक्स्ट पे यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से करना है फ्रेंड, यहाँ पे आपको देखिए प्रीव्यू देखने मिल जाएगा सेव एंड नेक्स्ट करने का, ठीक है, आपने जो जो फॉर्म फिल किया है वो देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे और प्रोसीड टू पेमेंट पे और यहाँ पे चाहे तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे देखिए आपको इसका प्रिंट निकालने के बाद, ठीक है, जैसे प्रोसीड टू पेमेंट के आपको देखिए इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा, वहाँ पर प्रिंट निकाल के आपको दिए गए ईमेल आईडी पर करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट का भी स्टेप मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से रहेगा। यहाँ पे आपको जितनी आपने एप्लीकेशन सबमिट की दो होंगी तो उनके आपकी दो फीस हो जाएगी, पे ऑनलाइन यहाँ से आपको करना होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर रहेगा कुछ। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी ब्रिसेल द्वारा जारी किए गए विज्ञापन की, जो कि एडवर्टाइज नंबर 158 था, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो। डेली ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब कर रहे ना भूलें हमारे चैनल लर्निंग टाइम को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।